हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं डार्क मोड के बारे में, जैसे कि हम डार्क मोड सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डार्क मोड को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपका डार्क मोड ऑन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए ऑटो स्विच पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो स्विच में आप इसको कस्टम कर सकते हैं, यानी कि जितने बजे आप यहाँ पर लाइट मोड ऑन करना चाहते हैं या फिर डार्क मोड ऑन करना चाहते हैं इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऑफ़ करना चाहते हैं ऑफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डार्क मोड सेटिंग पर जाएंगे तो यहाँ से अपना डार्क मोड सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मीडियम करना चाहते हैं, जनरल करना चाहते हैं, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर ही साइड स्क्रॉल करेंगे, स्क्रीन कलर मोड को ऑन करेंगे और यहाँ पे आप स्क्रीन कलर मोड को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि इसको ऑफ़ करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं, लाइट मोड पे क्लिक करेंगे और आपका ये लाइट मोड हो जाएगा, यानी कि ऑफ हो जाएगा डार्क मोड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और तरीका, ऊपर की साइड से स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डार्क मोड, तो इसको ऑन करेंगे यहीं से। ऑन करने के बाद आपका ऑन हो जाएगा, ऑफ़ करना चाहते हैं ऑफ़ कर सकते हैं यहीं से, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फोन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।